में अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमी स्फीयर। तो बच्चों कोई बिल्डिंग आपने पुरानी देखी होगी, ठीक है ना, तो उसमें डोम होता है। डोम क्या होता है? गुंबद। गुंबद वो हेमी स्फेरिकल शेप का होता है। ये देखिए बच्चों, ये ऐसी बिल्डिंग होगी, ऊपर ऐसा डोम होगा। देखा चारबाग रेलवे स्टेशन पे ऐसे ऐसे डोम बने रहते हैं हेमी स्फेरिकल ना, ऊपर डिजाइन भी बना होता है। तो उसको छोड़ो, आप डोम को देखो, बस ये डोम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप देखें तो। ये देखिए, यहाँ कहीं ऊपर ऐसा डोम होता है, ठीक है ना, ये ऐसा, ये देखिए किसी बिल्डिंग में ये ऐसा डोम होता है ऊपर, ठीक। और अगर आप इमामबाड़ा वगैरह गए हो तो देखो झूमर वगैरह भी लगे रहते हैं पुराने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे ये हॉलो होता है, ये खोखला होता है। यानी कि अगर हम आपको बोलें कि आप बिल्डिंग में अंदर जाइए, जब जाएंगे आप ऊपर ऐसा देखेंगे तो आपको ऐसा फ्लैट छत नहीं दिखाई पड़ेगी, कर्व घूमी हुई छत दिखाई पड़ेगी, देखिए फ्लैट, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, हमने बोला पेंट कर दीजिए, वाइट वॉश कर दीजिए। कहाँ पर आपने पूछा? हमने कहा डोम में कर दीजिए। तो आप सीढ़ी लगा के चढ़ के यहाँ पे पेंट करोगे, चेक करो, यहाँ पे पेंट करोगे। यानी कि कहाँ पेंट कर रहे हो? इसके इनर कर्व सरफेस एरिया पे, इनर कर्व सरफेस एरिया पे। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है और ये इनर कर्व सरफेस एरिया है, करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर? ध्यान से चेक करिए बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? हेमी, हेमी स्फीयर। और हेमी स्फेरिकल कौन है यहाँ पर? डोम। तो हेमी स्फीयर का बच्चों सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² भाई। स्फीयर का पूरा, अगर स्फीयर होता ऐसा, पूरा स्फीयर होता तो इसका सरफेस एरिया क्या होता? 4πr², ठीक। स्फीयर का कितना होता है बताइए? 4πr², ये टोटल होता है। ये हेमी स्फीयर है तो इसको 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हेमी लग जाए, हेमी मतलब हाफ स्फीयर का लेना है, तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 × 2, 2 × 4 कितना देगा? 2πr², ठीक है, कई बार बता चुके हैं। तो यानी कि हेमी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा डोम ऑफ बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ अ हेमी स्फीयर, ओके। एक बिल्डिंग का डोम जो है, डोम मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, गुंबद है जो, वो कौन से शेप का है? हेमी स्फेरिकल शेप का है। कह रहा फ्रॉम इनसाइड, यानी कि बिल्डिंग में अंदर चले जाओ, सीढ़ी लगा के चलो, और यहाँ पर क्या करना है? इट इज, इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, ओके। तो लेट मी चेक इट बच्चों, यही कॉस्ट दिया हुआ है, ध्यान से चेक कर लीजिए, 498.96, यस। तो कह रहे हैं अंदर चढ़े और इसके कर्व सरफेस एरिया पे जो पेंट करना होगा या व्हाइट वॉश करना होगा उसका कॉस्ट कितना है? 498.96। बच्चों समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए, हमने पूछा भाई ये वाली हमारी बिल्डिंग है, इसमें जाके अंदर ना इसमें व्हाइट वॉश करा दीजिए। हमने पूछ रहे कहाँ पर करा दीजिए, तो हमने कहा ना इसके जो डोम वाला पोर्शन है इसमें करा दीजिए। उन्होंने अपना मेजर वेजर किया, सब कुछ बताया कि इसका जो खर्चा लगेगा टोटल वो कितना लगेगा? 498.96 रुपीज़ लगेगा। हमने कहा ठीक है कर दो। यानी कि टोटल कॉस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? टोटल कॉस्ट। अब आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी आपको टोटल कॉस्ट दिया हो और कॉस्ट पर यूनिट एरिया दिया हो तो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड लगा देंगे? कॉस्ट पर यूनिट एरिया से। तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। कौन सा वाला एरिया? जिस एरिया में क्या कराया है? वाइट वॉश कराया है, ठीक है ना। अब सुनो, ये देखिए टोटल कॉस्ट दिए, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2.00 का मतलब 2 per square meter, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? ध्यान से चेक करो बच्चों, ये इसको आप ठीक से पढ़िए। रुपीस क्या लिखा हुआ है? रुपीस 2 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब 1 meter square में पेंट करने का खर्च, या फिर 1 meter square में भाई रुपीस 2 per meter square। पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या? 1 meter square में, 1 meter square में व्हाइट वॉश करने का खर्च कितना है? ₹2 है, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम आपसे ये पूछें कि टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? ₹498.96। तो हम अगर आपसे ये पूछें, पहले सुन लीजिए मेरी बात, क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे रेडियस वगैरह कुछ भी दिया है? नहीं दिया है। अब मेरी बात सुनो, मैं बात सुनो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है हमें। इनसाइड सरफेस एरिया मतलब क्या निकालना है? 2πr² निकालना है, ठीक है ना। रेडियस तो दिया नहीं हुआ है तो कहाँ से निकालोगे बताओ? रेडियस नहीं पता है तो पार्ट वन में प्रॉब्लम होगी कि नहीं? लेकिन इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ये कौन सा एरिया होगा? तो जवाब है ये एरिया विच हैज़ बीन पेंटेड, जो एरिया पेंट किया गया है। और पेंट किया गया एरिया कैसे निकलता है? आपको हमने फॉर्मूला लिखवाया क्लास में ये वाला, क्या? एरिया विच वॉज पेंटेड, जिस एरिया को पेंट किया जा चुका है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं बताइए? टोटल कॉस्ट, याद है फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस्ट पर यूनिट एरिया, भूल चुके हो, कॉस्ट पर यूनिट एरिया, यही पढ़ा है हाँ।
तो जितने पोर्शन में एरिया करना, जितने पोर्शन में पेंट करना है, वाइट वॉश करना है, ठीक है ना, उसका एरिया कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऊपर रख दीजिए, कितनी कॉस्ट है टोटल, यूनिट के साथ रखिएगा, आपको फील आएगा, रुपीस, टोटल कॉस्ट कितनी बताइए, 498.96, ये टोटल कॉस्ट है, और कॉस्ट पर यूनिट एरिया कितनी है, एक यूनिट एरिया में पेंट कराने का खर्च कितना है, रुपीस टू, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, रुपीस टू पर का मतलब क्या, डिवाइड लगा दो पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट कितनी है 498.96, और किससे डिवाइड लगा दिया, कॉस्ट पर यूनिट एरिया, कॉस्ट पर यूनिट एरिया का मतलब वन यूनिट एरिया में पेंट कराने का या वाइट वॉश कराने का खर्च कितना है, कितना है बताओ, रुपीस टू पर मीटर स्क्वायर, इसी हिसाब से तो है। अब चेक करिए जरा, ये मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, रुपीस 498.96 अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, रुपीस टू, मीटर स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, रुपीस से रुपीस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में क्या आता है बताइए, एरिया ही तो आता है, कैसे निकाला आपने ये एरिया, तो जवाब है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट एरिया, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है ना, इस तरीके से कई बार हम आपको बता चुके हैं, बच्चों जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, कभी भी आपको टोटल कॉस्ट दी हो पेंट करने की या वाइट वॉश करने की, और कॉस्ट पर यूनिट एरिया दिया हो, तो कितने पोर्शन में पेंट किया गया है वो निकालने के लिए, मतलब कितने एरिया में पेंट या फिर वाइट वॉश किया गया है, उस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट एरिया, चेक कर लीजिए, टोटल कॉस्ट किस में होती है, रुपीज में, और कॉस्ट पर यूनिट एरिया की यूनिट क्या होती है, रुपीज, जो भी होता है, पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है, ये नीचे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिखाओ, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, और रुपीस से रुपीस कैंसिल हो जाता है, तो बताइए यूनिट क्या बच गई, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो जवाब है एरिया की, तो एरिया आ गया कौन सा वाला, जिसमें पेंट किया गया था, कोई डाउट है बताइए, तो यही तो मांगा था इन्होंने, जहां पेंट किया गया था बिना रेडियस के निकल गया, चेक कर लीजिए, कोई डाउट है बताइए, बिना रेडियस के निकल गया कि नहीं निकल गया, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां से इसको कैंसिल करिए, 2 1 2, ठीक है ना, और 2 2 2 4 8 कैरी 1, 2 9 पॉइंट लगाएंगे, 2 4 8 कैरी 1 8, कितना आ गया बताइए, 249.48 क्या मीटर स्क्वायर, और अपॉन में 1 है, तो नीचे जो 1 है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है ना, तो पार्ट 1 का इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज गिवन बाय कितना आ गया, 249.48 मीटर स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए, अब कह रहा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी एयर है उसका आपको वॉल्यूम बताना है, ये डोम के अंदर एयर ही तो है भाई, चेक करो ना, पानी अगर इसमें भर दूं तो पानी आ जाएगा, अभी पानी वैसे कैसे भरो, ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगा, वो नहीं, एयर तो है ना यहाँ पे, चेक करो ना, एयर है, एयर का कितना वॉल्यूम होगा बताइए, तो क्या निकालने बताइए, वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, तो एयर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो जवाब है हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, यानी कि पार्ट टू में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम निकालने का क्या मतलब है, इसको निकालने का मतलब है आप क्या निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर निकाल दो, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 πr³, भाई पूरे स्फीयर का कितना होता है, 4/3 πr³, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 2, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³, यही होता है, ठीक। अब प्रॉब्लम आ गई बच्चों, रेडियस नहीं पता आपको, लीजिए तो रेडियस पता चल जाएगी कैसे, ये जो निकाला है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ही तो है, कौन सा वाला, इनर वाला, ये अंदर वाइट वॉश हुआ था ना, तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया ही तो है, और इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πr², तो 2πr² को इसके सामने रख के रेडियस निकाल लोगे तो कौन सी वाली रेडियस आएगी, इनर वाली, दो रेडियस होती हैं, इनर होती है, आउटर क्लास में बताया आपको, इनर वाले से ही मतलब है, क्योंकि वॉल्यूम भी कहाँ आ रहा है, इनर पोर्शन में ही तो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो आपको कौन सी रेडियस लगेगी, इनर वाली, तो कुछ नहीं करना है, अब मोटी मोटी बात ये समझो क्या, कि आपको, आपने क्या निकाल लिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकाल लिया, यही है, और ये है क्या, इनसाइड जो एरिया निकाला है ये है क्या, क्या है ये, कर्व सरफेस एरिया ही तो है, तो ये एक तरीके से जो आया है ये कर्व सरफेस एरिया ही तो है, किसका, डोम का, डोम कैसा है, हेमिस्फीयर, यानी कि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² हेमिस्फीयर का, तो ये 2πr² ही तो गिवन है, यहां से रेडियस निकल जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से चेक करो, फिर से दिखा दे रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम कैसा है, हेमिस्फीयर, कितना आया बताइए, 249. बोलिए फटाफट, 48 आया है, करेक्ट, लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πr², और एक डायग्राम बना दीजिएगा ऐसा, जहां पर r क्या है, इस डोम की रेडियस है, करेक्ट, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम की जगह हमने उसका फॉर्मूला रख दिया, 2πr² = 2
249.48, करेक्ट। अब यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकाले सर, आर स्क्वायर के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 और डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या, 2 इंटू पाई। क्या पाई का बच्चों वैल्यू लेने के लिए बोला है इन्होंने कुछ, 3.14 क्वेश्चन चेक करिए, नहीं, तो 22/7 लेंगे, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 अपॉन में क्या, 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। कोई डाउट है बताइए, इधर का ये नोट करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया हटा दें, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट करें, कर लिया, चलो अब देखिए जरा। नाउ यहां से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब ध्यान दें ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना, तो ये 7 देखिए यहां पर ऐसा आ गया, कैंसिल करिए, 2 1 2 होता है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए बच्चों 2 1 2 2 2 4 2 4 8 कैरी बन जाएगा, तो 2 7 14 2 4 8 और यहां डेसिमल लगा देंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा ना डेसिमल, तो हमने भी लगा दिया, वो डाउट है बताइए। अब फिर से 2 से कैंसिल होगा, तो देखो 2 1 2 2 1 2 ये 1 1 लिखा है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, 2 6 कितना हो गया 12, 2 2 4 फिर डेसिमल लगाया, डेसिमल लगा देंगे, 2 3 6 कैरी बन जाएगा, 2 7 कितना हो गया 14। कोई डाउट है बताइए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, क्या 62.37 11 से डिविजिबल है, चेक कर लीजिए, शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको चेक करके, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, आइए ज़रा चेक करते हैं। चलिए देखिए ज़रा, इसको हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, 62.37 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे किस इसको 62.37 को डिवाइड करोगे 11 से, तो देखिए 11 बन जाए 11, हाँ, और 11 5 कितना होता है बताइए, 55। 62 में से 55 माइनस करिए, कितना बचेगा 7, 7 जाएगा किसके पास, 3 के पास, तो 73 हो जाएगा, 11 6 66, तो 73 माइनस 66 कितना आ जाएगा बताइए, 7, करेक्ट, 7 जाएगा 7 के पास, 11 7 कितना होता है 7, तो 11 1 11 और ये आ गया, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, हमने भी लगा दिया, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ तो दिस इंप्लाइज, अच्छा अभी हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमको 11 1 11 करना चाहिए और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5.67, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 5.67 इंटू 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 7 अपॉन में 1 इंटू 1 बचा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए बात समझो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 49, 4 जाएगा, 7 6 42, 42 + 4 46, 4 जाएगा, 7 5 35, 35 + 4 39, अब पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, 39.69 आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, 39.69 का क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो आप लोग को सीखना चाहिए, ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक है, आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसकी, बट अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों 39.69 है, ठीक है ना, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, डेसिमल के पहले राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट, ठीक, फिर यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालते टाइम खुद का टेबल खुद से पढ़ा जाता है, यानी कि 6 6 पढ़ सकते हो, 5 5 पढ़ सकते हो, 5 4 नहीं पढ़ सकते हो, 7 7 पढ़ सकते हो, तो क्या पढ़ें बताइए, यहाँ हमको 39 चाहिए या तो 39 से कम चाहिए, तो 6 6 है ना, 7 7 तो 49 हो जाएगा, 39 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 6 कितना हो जाएगा 36, 9 - 6 3 और 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ जो डिजिट होती है वही यहाँ पर हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 6 + 6 कितना आ गया 12, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया डेसिमल, तो ये मार्कर नहीं गिरता जब तक क्लास नहीं कंप्लीट होती, ठीक है ना, ये 6 9 यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, कोई डाउट है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर सोचो, मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए, चेक कर लीजिए, अगर यहाँ हम 3 सोचें और यहाँ भी 3 सोचें, ये वाले 3 को उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, 63 को उठा के मत कर देना इससे, यहाँ जो नंबर सोचा है वही नंबर आपको यहाँ पे भी रखना है,
और 3 को उठा के 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1, 2, 3 इंटू 3 आप करोगे, 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6, 3, 1 जा 3, कितना आ गया 3, 6, 9, और रिमाइंडर बच गया 0, खत्म। तो 6.3 क्या आ गया आपका रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 6.3 क्या मीटर्स, क्योंकि कर्सर से एरिया किस में आया था आपका मीटर स्क्वायर में, तो रेडियस किस में आएगा आपका मीटर में आएगा, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से करेंगे, इधर का कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ उसका वॉल्यूम, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो वॉल्यूम हम आपको निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 πr³, करेक्ट, तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, ध्यान दें आर का वैल्यू कितना है 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज क्यूब लगा हुआ है, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, करेक्ट, चलिए सॉल्व करिए। देखिए स्टूडेंट्स 7 1 जा 7 होता है और 7 9 जा कितना होता है 63, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमको डेसिमल लगाना है और यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 1 जा 3 होता है, ठीक है ना, और 3 3 जा 9 होता है, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 0.3 आ जाएगा, कोई डाउट है बताइए। नीचे तो क्या बच गया आपका 1 इंटू 1 1, नीचे तो बस 1 बच गया, उसका कोई मतलब है नहीं। ऊपर देखिए 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू, अब देखो 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं कैसे करूंगा ध्यान से चेक करो, 44 इंटू 0.3 करूंगा, यहाँ लिखूंगा, फिर 6.3 इंटू 6.3 करके यहाँ पे लिखूंगा, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो एक तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जरा, देखिए 44 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, कोई डाउट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसा आ गया। फिर ये वाला इंटू हमने कॉपी कर लिया, 6.3 इंटू 6.3 कर लीजिए अब, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 6.3 इंटू 6.3, 3 3 जा 9, हाँ 3 6 जा कितना होता है 18, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, तो 9 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, और यहाँ आ गया 3, पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 39 पॉइंट कितना आ गया 69, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 39.69। वैसे भी हमें दिमाग लगा लेना चाहिए था कि अभी अभी तो हमने 39.69 का स्क्वायर रूट निकाला था, कितना आया था 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3 अगर वापस कर देंगे, यानी कि 6.3 का वापस स्क्वायर कर देंगे, तो 39.6 ही तो आना चाहिए, 39.69 ही तो आना चाहिए, है ना, आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है, तो कितना है 39.69, है ना, कैलकुलेशन आप लोगों की इसमें तो अच्छी होनी चाहिए, 39 पॉइंट कितना है बताइए 69 इंटू वॉट 13.2, तो 13.2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, चलिए 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है ना, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18 18 प्लस 2 20, ठीक है 2 3 9 जा 27 27 प्लस 2 29, कैरी 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ओके फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर एक और क्रॉस लगाएंगे 1 9 जा 9 1 6 जा 6 1 9 जा 9 और 1 3 जा 3, ठीक है ऐड करते हैं 8 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताइए 10, कैरी 1 जाएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, कैरी 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 17 प्लस 6 23, फिर 2 जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 9 12, कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, पीछे से 1 डिजिट 2 3 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आपको लगा देना है, कितना आ गया 523.908, ठीक है ना, तो आ गया 523.908, कोई डाउट है, तो बस यही आंसर है आपका मीटर क्यूब में। अगर आपको इसको वन प्लेस तक आंसर देना हो तो आप वन प्लेस तक दे सकते हो 523 पॉइंट, ध्यान से चेक करो, वन प्लस तक दोगे इसको मत देखो आप, ये लास्ट में जीरो जो भी फाइव से छोटा है यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये लीजिए ऐसे छोड़ना हो पैसे भी छोड़ दीजिए, तो योर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द एयर इज 523.9 मीटर क्यूब या 523.908 मीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं, कोई डाउट है?